बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। थ्री क्लास आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1। जी आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। फिल जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह क्या करें, पूर करें। तो अब ये देखें थ्री क्लास, खाली जगह पूर करें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है। देख लें ज़रा बुक की तरफ गौर से, बहुत ही ज़्यादा इजी है, दो मिनट का काम है, आप लोग ख़ुद भी ये कर सकते हो। इसलिए मैं ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाऊंगी, बाकी 2 और 3 आपने खुद करना है घर में, सालों अपने पेरेंट्स के पास बैठ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट जो है उसमें है 8 × 0। जी थ्री क्लास, मैंने बताया था ना कि 0 जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसे क्या कर देता है, 0 ही कर देता है। तो उसे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे रफ में मैं आपको करके बताऊँ, हम डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं 0। जी फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है देखिए इसका बी ऑप्शन, जी 2 को उन्होंने राइट किया 2 × 3 इज इक्वल टू ब्लैंक। फिर नेक्स्ट है 2 इज इक्वल टू ब्लैंक। अब ये देखें, ये क्वेश्चन हमने किया था कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। ओके, आंसर जो है इसका वो क्या आएगा, 6 ही आएगा, चाहे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 3 को 2 से कर रहे हो। अब ये देखें यहाँ पे आपने वो नंबर राइट करना है जो कि यहाँ पे मौजूद है लेकिन इधर नहीं है। अब ये देखें ना, सबसे पहले यहाँ पे 2 × 3 है, तो यहाँ पे 2 मौजूद है लेकिन 3 नहीं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप राइट करें 3। तो अब ये देखें 2 × 3 × 2 इज इक्वल टू 6। जी आपको टेबल्स आते हैं ना, तो वो आपने काउंट करनी है। अब इसके बाद है 18 × 5। जी 18 × 5 किसके इक्वल है, तो मैं ये आपको यहाँ पे करके बताऊँगी। जी 18 × 5 का टेबल जो है आपने 8 तक काउंट करना है। 5 का टेबल आपने कहाँ तक काउंट करना है, 8 तक। तो क्या आ जाएगा, 5 × 8 = 40। तो 40 हमारे पास है, तो हम यहाँ पे 0 राइट करेंगे और 4 एज आ कैरी यूज़ कर लेते हैं। तो 5 × 1 = 5 और 5 में क्या हम ये कैरी हमारे पास जो है वो ऐड करेंगे, तो क्या होगा, 5 + 4 = 9। जी 18 × 5 = 90। जी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर 90 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें इसका डी। अब उन्होंने राइट किया हुआ है 4 × इस तरह से लिखा है ब्लैंक × 4 = 40। थ्री क्लास अगर थोड़ा सा अपना जहन जो है वो गौर करें, जहन जो है वो वहाँ तक लेके आए 10 के टेबल तक। जी अगर हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ, तो आ जाता है ना 40। जी या आप इस तरह करें कि 4 को हम लोग जो है आप 4 का टेबल ही काउंट कर लें, बेहतर तो यही है, 4 का टेबल काउंट करें कहाँ तक, 10 तक, तो क्या आ जाएगा 40। 4 × 10 = 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब उन्होंने नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लैंक × 15 = 0। तो बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। अगर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। मतलब ये तो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं थ्री क्लास। तो हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, फिर और हम नीचे आएंगे, मतलब कि 1 से पहले क्या है 0। तो मतलब कि हम 0 से, मैंने बताया था अभी कि 0 हमारे पास, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो किसे क्या कर देता है, उसे 0। तो यहाँ पे भी क्या राइट कर लेते हैं, 0। जी तो ये थी फिलहाल साहब की क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा इजी। जी मुझे पता है बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसलिए अब आपने इसी मल्टीप्लिकेशन जो है इसी इन्हीं के रूल्स को आपने फॉलो करते हुए थ्री क्लास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये आपने क्या करना है, होमवर्क करना है और इसे प्रिपेयर्ड भी करना है पहले तैयार करके, और ये आपने काम अपने पेरेंट्स के पास बैठ के करना है। डायरी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3। जी 2 जो है उसमें 2 फॉल्स हैं और 3 में जो है वो आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, या आपने होमवर्क करना है और साथ इसे तैयार भी करना है। पेज नंबर है 69 एक्सरसाइज 2C। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।